नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज की रेसिपी है गोभी चिल्ली। आप इसे एक बार जरूर बनाएं। उम्मीद करती हूँ आपको इसका टेस्ट पसंद आएगा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। गोभी को अच्छे से धो ले और इसे मीडियम साइज में कट कर ले। अब इसे एक बर्तन में डाल दे और इसमें पानी डाल दे और थोड़ा सा नमक डाल दे। अब इसे हमें बॉईल करना है हाई फ्लेम में 4 से 5 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं गोभी अभी वाइट दिख रहा है। 5 मिनट बॉईल करने के बाद गोभी आपको थोड़ा ट्रांसपेरेंट दिखने लगेगा, मतलब इसे हमें निकाल लेना है। आप देख सकते हैं गोभी इस तरह से बॉईल करने के बाद दिखेगा। इसे ठंडा होने दे। अब बैटर रेडी करते हैं। 2 चम्मच मैदा, 2 चम्मच अरारोट, नमक, अदरक लहसुन पेस्ट 1 चम्मच, 1/2 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, सारी चीज़ों को अच्छे से मिला ले और इसका एक पेस्ट रेडी कर ले। बैटर को हमें ना बहुत ज़्यादा पतला ना गाढ़ा करना है। आप देख सकते हो बैटर रेडी है। अब गोभी को इसमें डिप करें और इसे हम फ्राई करेंगे। गोभी को हमें मीडियम हाई फ्लेम में फ्राई करना है। आप देख सकते हो इस तरह से डिप करें और डालें। तो हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। इसे फ्राई करने में 4 से 5 मिनट लगते हैं। इसी तरह हम सारे गोभी को फ्राई कर लेंगे। इसे एक पेपर में निकालें ताकि जितना एक्सेस ऑयल हो पेपर में आ जाए। गोभी फ्राई हो चुका है। एक पैन में 3 चम्मच तेल डाल के अच्छे से गर्म कर ले। तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ लहसुन, बारीक कटा हुआ अदरक और हरी मिर्च डाल दे। हरी मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार डालें। अब इसमें थोड़ा सा शिमला मिर्च ऐड कर दे। शिमला मिर्च ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालें, नहीं तो इसे स्किप कर दे। अब इसे हाई फ्लेम में 3 से 4 मिनट के लिए सॉटे कर ले। मैंने प्याज को शिमला मिर्च के साथ नहीं डाला क्योंकि प्याज ज़्यादा फ्राई हो जाएगा तो सॉफ्ट हो जाता है। अब इसमें प्याज ऐड कर दे और इसे हाई फ्लेम में 1 से 2 मिनट के लिए बस फ्राई कर ले। ये फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम सॉस ऐड करेंगे। 3 चम्मच टमाटो केचप, 3 चम्मच रेड चिल्ली सॉस, 1.5 चम्मच डार्क सोया सॉस और 1 चम्मच सिरका डाल दे और इसे अच्छे से मिला दे। इसे हाई फ्लेम में 1 से 2 मिनट पकने दे। अब इसमें पानी ऐड कर दे। मैंने यहाँ पे 1/2 कप पानी ऐड किया है और इसे अच्छे से मिला दे। इसमें ग्रेवी को गाढ़ी करने के लिए अरारोट का घोल डालेंगे। मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच अरारोट में 2 चम्मच पानी डाल के घोल लिया है। अब इसे ऐड कर दे और अच्छे से मिला दे। आप देख सकते हो ग्रेवी गाढ़ी हो चुकी है। अब इसमें हम फ्राई किया हुआ गोभी डाल देंगे। इसे अच्छे से मिलाएं और मीडियम फ्लेम में 3 से 4 मिनट तक पकने दें।
इसमें हरा प्याज डाल दें। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो ऐड करें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिला दें। आपको जितनी ग्रेवी रखनी आप अपने हिसाब से रखें, अगर आपको ये ड्राई चाहिए तो आप इसे और थोड़ी देर पकने दें। गोभी चिल्ली रेडी है, अब आप इसका फ्लेम बंद कर दें। आप इसे गर्म रोटी, नान या पराठा के साथ सर्व करें, आपको इसका टेस्ट पसंद आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबा दें जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।